सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नगर में पुरानी ईवी रोड खरगोन पाटे पे स्थित हजरत शाह अब्दुल करीम बाबा की 47वें उर्स के उपलक्ष्य में शनिवार को दरगाह परिसर में 2 दिन का कार्यक्रम हुआ आयोजन। कमेटी के द्वारा इसकी तैयारी पहले से की गई थी। शनिवार को हजारों लोग इबादत करने के लिए बाबा साहब की दरगाह पर पहुंचे। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बाबा की आदत करते हैं। शहादत शाह अब्दुल करीम बाबा के 47वें उर्स के मौके पे वाकफ बोर्ड कमेटी, सरप्रस्त कमेटी, मुस्लिम जमात जुलवानिया व सभी ग्रामवासियों के सहयोग से 2 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पे दरगाह परिसर को फूलों की माला और लाइटिंग से आकर्षण सजाया गया। करीबन 3 बजे से नियाज मोहम्मद के घर से चादर व संदल का जुलूस निकला है और चादर को नगर भ्रमण कराने के बाद शाम 5:30 बजे बाबा की दरगाह पर चढ़ा और देश में अमन चैन व खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। शाम 6 बजे से लंगर का आयोजन किया गया और मीठे व तीखे चावल की प्रसादी चढ़ाई गई। इस लंगर में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और रात्रि 10 बजे से दरगाह परिसर में बुरहानपुर के 2 कव्वालों ने कव्वाली प्रस्तुत की है। साथ ही दशहरा मैदान में विभिन्न प्रकार के खदान और बच्चों के लिए खिलौने की दुकान, बर्तन दुकान, विक्की माउस और अन्य प्रकार की दुकानें लगी हैं। बच्चे वरिष्ठों ने मेले की तरह दुकानों से विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदी और रविवार को दरगाह परिसर में रंग की रस्म की गई है, जिससे कि समाजजनों द्वारा कलाम पेश किए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से समिति स्तर पर उर्स मनाया जा रहा था। इस साल पाबंदी नहीं होने से जिले सहित अन्य प्रदेश से भी बाबा के अनुयायी उनके उर्स पर इबादत करने के लिए जुलवानिया पहुंचे हैं। वहीं उसके मौके पे पुलिस थाना जुलवानिया के थाना प्रभारी तारा मंडलोई जी भी अपने दलबल के साथ कार्यक्रम में मुस्तैद रहीं। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ।